हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने जो सिस्टमेटिक एरर है उसके बारे में चर्चा किया था। उसके उसके जो तीन टाइप्स होते हैं हमारे, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, एनवायरमेंटल एरर्स एंड ऑब्जर्वेशनल एरर्स, उसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर्स को हमने अच्छे तरीके से देख लिया था ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स इन द इंस्ट्रूमेंट्स और मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड लोडिंग इफेक्ट्स। इसकी चर्चा हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कर ली थी। अब चलिए शुरू करते हैं हम जो सिस्टमेटिक एरर के हैं, दो जो दूसरे टाइप्स हैं, एनवायरमेंटल एरर्स एंड ऑब्जर्वेशनल एरर्स, और एक हमारा बचा हुआ रैंडम एरर्स, ये तीनों की वो जल्दी से चर्चा करते हैं। उसके बाद से क्या है कि हम थोड़े क्या है कि न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एनवायरमेंटल एरर्स। तो जैसा कि नाम इसका बता रहा है, एनवायरमेंटल एरर्स, दिस टाइप ऑफ एरर्स आर ड्यू टू, इनके कारण क्या होते हैं, आर ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता, डस्ट, वाइब्रेशंस, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। ओके, और भी दूसरे कुछ कारण हो सकते हैं जो वातावरण के कारण जो आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर्स आएंगे, मेजरमेंट में एरर्स आएंगे, इंस्ट्रूमेंट नहीं, मेजरमेंट्स में जो एरर आएंगे उसको इन शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ओके, बहुत ज़्यादा इसमें आपको अगर कुछ पता ना हो तो भी आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ज़्यादा इसमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए इन एरर्स को हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दीज एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड और मिनिमाइज्ड बाई मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट कंडीशन सराउंडिंग द इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट के सराउंडिंग में, उसके चारों तरफ के वातावरण में एक कॉन्स्टेंट क्या है कि हम आपका जो वातावरण है ना, जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के वातावरण के, उसको हम कॉन्स्टेंट मेंटेन करने का कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है कि पूरा उस जो आपका मेजरमेंट जहाँ हो रहा है उस एनवायरनमेंट को हम क्या करें, है ना, एयर कंडीशनड कर दें ताकि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो। वैसे क्या है कि हमारी जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी के करस्पॉन्डिंग भी कुछ ना कुछ हम अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उस सब के करस्पॉन्डिंग भी कुछ ना कुछ करते हैं, उसकी हम आगे चर्चा कर रहे हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग इक्विपमेंट्स इम्यून टू सराउंडिंग कंडीशन, ये भी कर सकते हैं। वैसे इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइप के एरर्स से बचने के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट जो है ना इम्यून टू सराउंडिंग कंडीशन, जो इम्यून का मतलब क्या है कि जो आपके जिनके पास इस बात की क्षमता होती है कि वो परिवर्तित नहीं होते हैं सराउंडिंग कंडीशन, जो सराउंडिंग के पैरामीटर्स हैं उससे परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे हमारी इम्यूनिटी की बात मैं अगर करूँ तो हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति बहुत इम्यून है, इसका मतलब क्या है कि ये बहुत स्वस्थ है, हेल्दी है, इसको जो आपके जो मौसम में परिवर्तन होते हैं उससे उसका इस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ये हेल्दी है, ये बहुत संवेदनशील नहीं है। तो वैसे ही क्या है कि वैसे इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर उपयोग करना चाहिए जो जो हमारे वातावरण के जो पैरामीटर्स हैं, जो कंडीशन हैं हमारे, उनके परिवर्तन के साथ परिवर्तित ना होता हो। ये जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन के सापेक्ष या परिवर्तन के अगेंस्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट कैसा हो बेटा, हमारा इंस्ट्रूमेंट कैसा हो, हमारा इम्यून हो, है ना, उसकी इम्यूनिटी हो। तीसरा, और हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग टेक्निक्स टू एलिमिनेट इफेक्ट्स ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू सराउंडिंग कंडीशन, है ना, जो सराउंडिंग कंडीशन चलते जो हमारे इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो प्रभाव आ रहे हैं ना, उनको एलिमिनेट करने के कुछ टेक्निक्स का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको भी किया जाता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बात पर कि जो हमारे एनवायरमेंटल एरर्स होते हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं जहाँ पर मेजरमेंट हो रहा है उसके सराउंडिंग में, है ना, तो जो आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं वो मेजरमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं, जो प्रभावित करते हैं उसके कारण जो हमारे एरर्स आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसका हमने देखिए दो तीन आपका कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं उसकी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली, ठीक है ना, बाय मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट सराउंडिंग कंडीशन। दूसरा क्या लिखा, बाय यूजिंग इक्विपमेंट्स इम्यून टू सराउंडिंग कंडीशन। और तीसरी बात क्या लिखा, बाय यूजिंग टेक्निक्स टू एलिमिनेट इफेक्ट्स ऑफ डिस्टर्बेंसेज ड्यू टू सराउंडिंग कंडीशन, जो सराउंडिंग कंडीशन के तहत जो इफेक्ट्स हमारे आ रहे हैं ना, उसको एलिमिनेट करने के टेक्निक्स का भी हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब कौन कौन से टेक्निक हो सकते हैं, ठीक है, हमारे जो सराउंडिंग के जो कंडीशन है, उस कंडीशन के जो प्रभाव है उसको एलिमिनेट करने के कौन कौन से टेक्निक हो सकते हैं। तो बाई मैग्नेटिक शील्डिंग, है ना, मैग्नेटिक शील्डिंग होता क्या है, इसको हम जब क्या है कि जब इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे हमारे PMMC वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी सी इसकी हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ तक समझ लीजिए कि मैग्नेटिक शील्डिंग से क्या होता है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसका प्रभाव इंस्ट्रूमेंट के क्या है कि परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ता। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिख रखा है एक और हर्मेटिकल सीलिंग जो है ना, आप नई वर्ड है मेरे लिए भी, मैंने भी इसको बहुत अच्छे तरीके बार इसको नहीं सुना है। हर्मेटिकल सीलिंग एक्चुअली करते हैं किसके लिए, जो हमारे ह्यूमिडिटी और डस्ट वगैरह है ना, इनके प्रभाव को ऐसे सीलिंग करते हैं कि डस्ट ह्यूमिडिटी से क्या रहे, हमारा मेजरमेंट अप्रभावित रहे, ठीक है ना। तो इन सब प्रकार की क्या है कि इन सब प्रकार की हम यहाँ पर अपना वो करते हैं, टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। उसके बाद से क्या, अप्लाइंग करेक्शंस इन द कंप्यूटेशंस, जो हमारे हमने क्या है कि पता चला मेजरमेंट तो कर दिया, लेकिन अगर हमें पता है कि नहीं हमारा मेजरमेंट जो है ना, हमारे जो वातावरण के कंडीशन है उनसे अगर थोड़ा सा प्रभावित हुआ भी है,
तो कितना प्रभावित हुआ है उसका अगर हमें अंदाज है तो उतनी हम करेक्शन भी मेजरमेंट में अपना कर सकते हैं। ये सब तरीके होते हैं हमारे जो एनवायरमेंटल एरर्स होते हैं उनको एलिमिनेट करने का। उसके बाद से देखिए ऑब्जर्वेशनल एरर्स की बात मैं करूँ, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल एरर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हम जब रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं है ना, तो वहां भी कुछ एरर हो सकता है। हमने क्या है कि देखिए यहाँ पर इसके पहले ऑब्जर्वेशनल एरर की मैं बात करूँ तो हमने क्या है ग्रॉस एरर की चर्चा की थी, और एक और बात हमने क्या की थी कि आपका मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना, जो कि आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर में था। और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, ऑब्जर्वेशनल एरर। देखिए यहाँ पर एक हमने की थी ग्रॉस एरर, ठीक है, उसके बाद से की थी मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और तीसरी हमने की थी कर रहे हैं अभी हम ऑब्जर्वेशनल। आपको बता दें तीनों जो है ना, तीनों में थोड़ी सी क्या है कि हल्की सी समानता दिखती है, इसलिए क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, और हम भी जब पहली बार पढ़ रहे थे तो हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है दोनों तीनों में क्या फर्क है। अगर तीनों में फर्क की बात मैं अगर बोलूं है ना बहुत क्लियर तरीके से, जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, ये तो इस प्रकार के एरर है जिसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि किससे हो जाए। ये क्या है कि हो सकता है स्किल्ड पर्सन से भी हो जाए, और इसकी कोई गारंटी नहीं है, है ना। बस इसके लिए हम इतना कर सकते हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए और बार बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना चाहिए, जैसे कि हमने उस समय चर्चा भी किया था ग्रॉस एरर के बारे में। मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है ना, इसको एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, क्यों हमने इसको क्या है किसी स्टैटिक एरर में डाल रखा है, क्योंकि इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, हम एक स्किल्ड जो एक्सपेरिमेंटर है ना उससे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा के हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये एक्चुअली होता तब है जब क्या करता है कि कोई अनस्किल्ड पर्सन है ना क्या करता है आपके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता है, ठीक है। तीसरा जो ये ऑब्जर्वेशनल एरर है ना, ये एरर किस प्रकार का है, रीडिंग हम अगर हम ले रहे हैं स्किल्ड पर्सन ही रीडिंग अगर ले रहा है और रीडिंग लेने में अगर कुछ परेशानी आ रही है, रीडिंग लेने में अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है, वो सावधानी के कारण नहीं, इंस्ट्रूमेंट का अपना कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि नहीं, वो रीडिंग हम ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए ग्रॉस एरर में क्या है कि असावधानी से कुछ एरर हो जा रही थी है ना, आपके केयरलेसनेस से कुछ और एरर आ जा रही थी, और यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल में भी आप कह सकते हैं कि नहीं केयरलेसनेस से कुछ एरर आ रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो केयरलेसनेस से जो एरर आएगी ना उसको हम क्या बोलेंगे, आपका ग्रॉस एरर बोलेंगे। ये जो ऑब्जर्वेशनल एरर की बात अगर करूँ तो ऑब्जर्वेशनल एरर ऐसा है जो केयरलेसनेस से नहीं है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है ना, इंस्ट्रूमेंट की कुछ बनावट ऐसी है, ठीक, कि हम उससे एरर जो लेने जाएंगे ना तो ऐसी मिस्टेक हो सकती है, तो हम वहाँ पर क्या है कि इंस्ट्रूमेंट को ही इंप्रूव करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान के लिए हमारे पास एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग होती है ना वो आप बहुत एक्यूरेट तरीके से नहीं ले सकते, डिजिटल में क्या है कि आपके डिजिट्स दिखते हैं तो आप आसानी से उसको ले पाते हैं। तो इस प्रकार के एरर जिसमें हम जो एक्सपेरिमेंटर है उसकी केयरलेसनेस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही स्किल्ड है और केयरफुल है, इसके बावजूद भी क्या है कि कुछ एरर आ सकते हैं, वो किस प्रकार के एरर, जो एरर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। आप क्या है कि सभी एरर्स को एक बार एक साथ लिख करके सबको थोड़ा आपस में कंपेयर करेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि कुछ कुछ पैसे से जेई में भी छोटे मोटे क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं, आपके जो डिप्लोमा लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें तो क्या फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ इनके साथ आप क्या है कि किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहां पर भी एरर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एसएससी जेई का जो कन्वेंशनल एग्जाम है उसमें तो खैर पूछना ही नहीं है, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार के एरर, जिसके दिस टाइप ऑफ एरर arises because of the mistakes in observation by reading, है ना, observation of the reading, reading के जो का जो observation होता है ना उसको हम जो observe करते हैं, उसका अवलोकन जो करते हैं, ठीक है ना, उसमें जो mistakes होता है ना उसके चलते arise होता है error, ये observational error। The famous example of observational error is parallax error, है ना, एक बहुत ही famous example है। आपसे कोई पूछे कि observational error है तो उसका क्या है कि example से ही आप उसको observational error को समझा सकते हैं, ये क्या होता है parallax error। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सभी तरह जितने भी एग्जाम्स हैं उनके हिसाब को ध्यान में रख करके अगर बात की जाए तो पैरेलेक्स एरर क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए इट अराइजेज, ये जो पैरेलेक्स एरर है ना, ये इट अराइजेज व्हेन लाइन ऑफ विजन ऑफ द ऑब्जर्वर इज नॉट एग्जैक्टली अबव द पॉइंटर। ये अराइज कब होता है, सबसे पहली बात ये अराइज होता है आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में अराइज होता ही नहीं है, ठीक है। और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में क्या अराइज कब होता है, जब क्या होता है आपसे बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए मान के चलिए आपका ये इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पर ये पॉइंटर आ गया आपका इंस्ट्रूमेंट रीडिंग के कारण, स्पॉटिंग पॉइंटर आ गया और आप क्या है कि आप इसके पॉइंटर के बिल्कुल ऊपर से नहीं देख रहे हो, साइड से देख रहे हो, साइड से देखने में इस प्रकार का एरर आ जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार का एरर आ जाता है। आप यहाँ देखिए, आपको एक यहाँ पर फिगर दिखेगा उससे पता चल जाएगा। अब देखिए जैसे कि हमारा क्या है कि ये रीडिंग है, ये देखिए तीन हमने फिगर यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर लगा रखे हैं तीन फिगर में, देखिए हमारा एग्जैक्ट एरर जो हमारा रीडिंग है ना ऐसा कुछ कुछ ऐसा है, 250 वोल्ट की रीडिंग है। हम क्या है कि यहाँ पर जो पॉइंटर है पॉइंटर के बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं तो हमें पॉइंटर कहाँ है 250 पे दिख रहा है, तो हम 250 उसको रीड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम पॉइंटर के बाएं साइड से देख रहे हैं, पॉइंटर के जब बाएं साइड से देख रहे हैं तो पॉइंटर का जो इमेज है ना वो 250 पर ना बन करके 250 से थोड़ा ज्यादा पे बन रहा है, तो हम यहाँ पर रीडिंग क्या मान लेते हैं कि 250 250.5
होल्ड, ऐसा कुछ रीडिंग दिख रहा है। आप यहाँ पर देखने की कोशिश करिए क्या है, हम जब साइड से देखेंगे, बिल्कुल आपका पॉइंटर के ऊपर से देखेंगे तो उसकी बात अलग होगी, साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो बात अलग होगी, इस साइड से देखेंगे तो थोड़ी सी कम रीडिंग आएगी, इस साइड से देखेंगे तो थोड़ी ज्यादा रीडिंग आएगी, क्योंकि हमारा जो पॉइंटर है, पॉइंटर जो इधर से देखेंगे तो पॉइंटर जो है ना 250 कुछ पे जाके दिखेगा कि नहीं, पॉइंटर का इमेज वहां बन रहा है, क्योंकि पॉइंटर की इमेज जहां दिख रही होती है ना उसी को हम क्या रीडिंग कंसिडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये इनकरेक्ट करेक्ट आपका तरीका है, इसी को हम पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। ये क्या आपका करेक्ट तरीका है, क्या है लाइन ऑफ विजन जो यहाँ पर एक्जेक्टली पॉइंटर के ऊपर है, ये पॉइंटर है और हम जैसे ऊपर से देख रहे हैं, हम ना इधर से देख रहे हैं ना इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, इधर से देखना क्या है कि इस केस में क्या है, कोई एरर नहीं होता, अगर इधर से देख रहे हैं इधर से देख रहे हैं तो यहाँ पर एरर होता है, ठीक है। और दूसरी ये भी देखिए, यहाँ पर हम राइट से देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है ना आपका किसको क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एरर, ठीक। इंस्ट्रूमेंट विथ डिजिटल डिस्प्ले कंप्लीटली एलिमिनेट्स ऑब्जर्वेशनल एरर, जो ऑब्जर्वेशनल एरर होता है ना उसको, जो डिस्प्ले आपके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है जिनका डिस्प्ले जो होता है डिजिटाइज्ड होता है, डिजिटल होता है, आपके डिजिट के फॉर्म्स में आता है, ठीक है ना, तो वहां पर इस प्रकार का एरर आता ही नहीं, क्योंकि हम तो डिजिट दिखता है और क्या है उसको हम रीड कर लेते हैं, तो वहां पर इस प्रकार का एरर नहीं आता। इसके बाद देखिए रैंडम एरर की अगर बात करें, तो रैंडम एरर की अगर बात करूं तो रैंडम एरर कौन से होते हैं, तो जैसा कि नाम इसका हमने देख लिया। अब देखिए हमने सभी प्रकार के एरर की चर्चा कर ली, ठीक, हम सभी प्रकार के एरर को लेकर के सतर्क हैं, सभी प्रकार के एरर को हमने एलिमिनेट कर दिए। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे एरर आ सकते हैं जो आपके क्या है कि ज्योग्राफी जो है ना हमारा जो भौगोलिक जो शर्तें कंडीशंस हैं उसके साथ भी आ सकता है। पता चला कि हमने क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर हम साउंड का मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और पता चला कोई बगल से गाड़ी निकल गई, उसने हॉर्न बजा दिया, ठीक है, कहीं शोरगुल हो रहा है, उसका कुछ हॉर्न आ गया, तो आप समझ सकते हैं मतलब कि जो ऐसे कंडीशन जो हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज है और वो मतलब कब कैसा हो जाए, है ना, टेम्परेचर का एक वेरिएशन हो गया आपका, है ना, आर्द्रता में वेरिएशन हो गई, है ना, प्रेशर में वेरिएशन हो गया, हवा चल गया, ठीक, और बहुत जो कंडीशन जिसकी हम चर्चा नहीं कर सकते हैं ना, वो सभी प्रकार के एरर के जो कारण हैं उनके चलते जो एरर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। रैंडम का मतलब कि जिसकी कोई निश्चितता ही नहीं है कब क्या हो जाए, ठीक है ना, रैंडम एरर, ठीक है ना। अब इसके बारे में देखिए हमने क्या लिखा है, द डिस्टर्बेंसेज अबाउट विच वी आर अनअवेयर, हम जानते ही नहीं कब क्या हो जाए, ठीक, आर लम्प्ड टुगेदर, लम्प्ड मींस कि जिसको इकट्ठा रूप से हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड रैंडम, रैंडम उनको क्या बोलते हैं, रैंडम आपके डिस्टर्बेंसेज, रैंडम डिस्टर्बेंसेज उनको क्या बोलते हैं, रैंडम डिस्टर्बेंसेज, ठीक है। एरर कॉज्ड बाय दीज हैपनिंग्स, जो आपके कॉजेज होते हैं, जो रैंडम आपके जो डिस्टर्बेंसेज होते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, उनको हम क्या बोलते हैं, इनके चलते जो हमारे एरर आते हैं उनको क्या बोलते हैं, रैंडम एरर और रैंडम एरर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए इसको हम रेसिड्यूअल एरर भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने सभी प्रकार के एरर की तो चर्चा कर ली, सभी प्रकार के एरर को हमने एलिमिनेट कर दिए, उसके बावजूद भी ये एरर तो बची जाएगा भाई, पता चला ग्रॉस एरर को हमने क्या है कि बहुत ही केयरफुल से और 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करके एलिमिनेट कर दिया। अब का जो सिस्टमेटिक एरर में जो हमारा था शॉर्टकमिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको भी हमने देख लिया, इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से परफेक्ट है, पूरी तरह से आपकी कैलिब्रेटेड है, वहां भी हमने उसको आपका क्या एलिमिनेट कर दिया। हमने मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए हमने क्या किया, एक स्किल आपके एक्सपेरिमेंटर को रख दिया, उसके बाद से क्या है कि हमने लोडिंग इफेक्ट भी नहीं है, बहुत आइडियल आपका हमने इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जिसका आपके जो पैरामीटर्स वगैरह रेजिस्टेंस वगैरह जो है, ठीक है, बहुत ही कम है, तो वहां भी एरर कुछ नहीं आया। हमने एनवायरमेंटल एरर को भी खत्म करने की कोशिश की, हमने क्या है कि आपका ऑब्जर्वेशनल एरर को भी खत्म करने की कोशिश की, इसके बावजूद भी कुछ हमारे क्या है कि जो यूनिवर्स में घटनाएं हो रही है उसके चलते जो एरर हो जाए, एरर तो बचा रह ही जाएगा ना, तो जो बचा रह गया ना उसको हम बोलते हैं रेसिड्यूबल, ठीक है, इसलिए एरर को हम क्या है रेसिड्यूबल एरर भी बोलते हैं। रैंडम इसलिए बोलते हैं कि पता किस घटना से हो जाए कोई हमें निश्चित है ही नहीं, और रेसिड्यूअल क्यों बोलते हैं कि सब एरर के कारण हटाने के बाद भी एरर तो बचा रह ही रह जाता है, बचा रहता ही है, चूंकि बचा रह जाता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं आपके रेसिड्यूअल, ठीक। इसके बाद देखिए चलिए हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन को खत्म करते हैं, अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि जो आपके एग्जाम है ना, एग्जाम में क्या है लिमिटिंग एरर की बात आती है, हमने एरर तो पढ़ लिया था एब्सोल्यूट एरर और आपके रिलेटिव एरर, देखिए लिमिटिंग एरर क्या होता है इसके बाद देखिए, लिमिटिंग एरर जो है ना अपना आप एक एरर का कोई टाइप नहीं है, इसको आप मतलब समझिएगा कि एरर का कोई एक टाइप है या फिर एब्सोल्यूट एरर, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिटिंग एरर उसको बोलते हैं जो आपका मैन्युफैक्चरर जो होता है इंस्ट्रूमेंट का, वो क्या करता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट पे एक एरर के बारे में एक स्पेसिफिकेशन प्रेजेंट करता है ना, आपका क्या है विवरण प्रेजेंट करता है, स्पेसिफिकेशन प्रेजेंट करता है, और वो लिखता है कि आपका ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना इस एरर से ज्यादा एरर है ना, इस अमाउंट के एरर से ज्यादा एरर परफॉर्म आपका प्रोड्यूस नहीं करेगा, उत्पन्न नहीं करेगा। तो जो एरर वहां पे स्पेसिफाई करता है ना, वो चूंकि लिमिट है एरर का, उसका कहना यह है आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसका कहना यह है कि ये जो है ना लिमिट है एरर का, इससे ज्यादा एरर हो ही नहीं सकता, इसलिए ना इस प्रकार के एरर को हम जो वहां पर एरर प्रेजेंटेड होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं लिमिटिंग एरर। और लिमिटिंग एरर को क्या है कि हम एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको रिलेटिव एरर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं, जो कि हमने पढ़ा था पहले के
वीडियो जो हमने पढ़ा था उसको आप अच्छा से देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जिन्हें नहीं देखा होगा उसके लिए, जो बिल्कुल सिक्वेंस वीडियोज को फॉलो करते आ रहे हैं, उनका तो खैर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरर हैज टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एरर द इंस्ट्रूमेंट कैन प्रोड्यूस। उनको क्या है क्या स्पेसिफाई करना होता है। मोस्टली दिस टाइप्स ऑफ एरर्स आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन FSD। फुल स्केल डिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, FSD, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि मान के लिए कोई हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, वो 0 वोल्ट से लेकर के 150 वोल्ट तक मेजर करता है। ये जो आपका जो वोल्ट मीटर है इसका FSD कितना हो जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 150 वोल्ट, क्योंकि 150 वोल्ट तक ही मेजर कर सकता है। क्या है ये, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आ गया आपको कि किसी एक्सपेरिमेंट में आपके इंस्ट्रूमेंट का जो रेंज है ना उसका जो अधिकतम वैल्यू है ना उसको क्या बोलते हैं, FSD, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको क्या है कि जो हमारा जो आपका ये लिमिटिंग एरर है ना उसको इसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपका एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट में ऐसा लिखा गया होगा कि लिमिट एरर अप टू 1% ऑफ FSD। ऐसा हो सकता है कि आपके वहां पर लिखा गया है एरर अप टू 1% ऑफ FSD का मतलब क्या हो गया, जो आपका FSD इस इंस्ट्रूमेंट का जो 150 है ना उसका 1%, उसका 1% क्या है, 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट तक का एरर ये प्रोड्यूस कर सकता है। 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट तक का एरर ये प्रोड्यूस कर सकता है। इस आपका इंस्ट्रूमेंट का लिमिटिंग एरर कितना है, 1.5 वोल्ट। कितना है, 1.5 वोल्ट, उससे ज्यादा का एरर ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है ना। अच्छा, एक और बात यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है भाई, किसी एक्सपेरिमेंट का रेंज मान के चलिए आपका इंस्ट्रूमेंट का रेंज कितना है, 0 से 150 वोल्ट, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हरदम वो जब किसी वोल्टेज को मेजर करेगा तो वोल्टेज क्या होगा, 150 वोल्ट के लगभग वही होगा। हो सकता है उस समय किसी 25 वोल्ट के करीब के वोल्टेज को भी मेजर कर रहे हो, 40 वोल्ट 45 वोल्ट 50 वोल्ट 100 वोल्ट, अधिकतम 150 कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि हरदम 150 वोल्ट की, जो 150 वोल्ट है उसके नियर अबाउट का वोल्टेज है ना उसी को मेजर करेंगे हम, है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो देखिए क्या है कि ये जो एरर है ना, आपका इंस्ट्रूमेंट 140 वोल्ट मेजर करे तो भी 1.5 वोल्ट का एरर प्रोड्यूस कर सकता है ये इंस्ट्रूमेंट, 50 वोल्ट अगर मेजर करे ना तो भी 1.5 वोल्ट का एरर प्रोड्यूस कर सकता है, 100 वोल्ट मेजर करना तो भी ये आपका जो है ना 1.5 वोल्ट का एरर प्रोड्यूस कर सकता है। ये थोड़ी सी बात यहाँ पर समझने की आवश्यकता, मैं फिर से आपको ये बात बताता हूँ, ठीक है। ये बात क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिमिटिंग एरर के बारे में, और लिमिटिंग एरर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नॉर्मली सबको कन्फ्यूजन होती है, कॉमन कन्फ्यूजन होती है। कहने का मतलब यह है कि हमने मान लिया हमारे पास एक आपका इंस्ट्रूमेंट है और ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना आपका का रेंज कितना है, 0 से 150 वोल्ट। अब 0 से 150 वोल्ट है और इस इंस्ट्रूमेंट का जो लिमिटिंग एरर कितना है, 1% ऑफ FSD, इसका मतलब क्या है कि 1.5 वोल्ट। अब 1.5 वोल्ट का देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण देते हैं। मान लीजिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है कि 140 वोल्ट इसने रीडिंग की, कितने की रीडिंग, 140 वोल्ट रीडिंग की, तो ये 140 वोल्ट के अबाउट जो आपका रीडिंग है ना, है ना, ये जो आपका जिस वोल्टेज को मेजर करना है, उदाहरण के लिए मान लिया हमने क्या है हमारे 140 वोल्ट के लगभग में है, हमें पता तो है नहीं कि 40 वोल्ट के लगभग में है, तो यहां पर भी ये जो ना अधिकतम 1.5 वोल्ट की आपका एरर प्रोड्यूस कर सकता है। मीन्स 140 वोल्ट से इतना ज्यादा, 140 वोल्ट से इतना कम आपको इसको डिस्प्ले कर सकता है 140 वोल्ट को। और यही नहीं, अगर हमने इससे क्या है कि 50 वोल्ट मेजर किया ना, तो 50 वोल्ट पे भी ये क्या है कि 1.5 या 1.5 इससे कम या फिर 1.5 इससे ज्यादा का ये आपको रीडिंग डिस्प्ले कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आपको। तो यहाँ पर क्या है कि ये बात है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना आपका, ये क्या है कि रीडिंग यहाँ पर शो कर सकता है। अच्छा, वेलकम बेटा, ठीक है बेटा, ठीक, ओके। तो ये क्या है कि यहाँ पर हमने लिमिटिंग एरर के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एरर द इंस्ट्रूमेंट कैन प्रोड्यूस इज कॉल्ड लिमिटिंग और गारंटीड और मैक्सिमम परमिसिबल एरर। ठीक है, इसके तीन प्रकार के हमने क्या है कि टाइप यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिए। ठीक, हमने चर्चा कर दिया। देखिए, लिमिटिंग एरर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट फॉर्म और रिलेटिव फॉर्म। जो हमने एब्सोल्यूट आपके एरर देखे थे और रिलेटिव एरर देखे थे, दोनों तरीके से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद एक और बात क्या है, एब्सोल्यूट लिमिटिंग एरर इज रिटन एज सिंपली लिमिटिंग एरर। जो एब्सोल्यूट लिमिटिंग एरर है उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, आपके लिमिटिंग एरर। ठीक है ना, एब्सोल्यूट टर्म यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से इसके आगे से शुरुआत करेंगे। ओके, दैट्स एनफ फॉर टुडे। ओके।